किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आएगा तो ओके। मैं आप सबका आज की इस पुरोनिक महफिल में खैर मकदम करता हूं। इस जो आज की ये महफिल यहाँ पे सजी है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि पुलिस और कम्युनिटी के बीच जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की तरफ ये एक कदम है। मेरे पास 5 मरले जमीन नहीं है। जो लोग काम दुकान देते थे और रोड़ों में घूमते थे, उनके बैग भी पीछे से कुछ नहीं है। ना उनके बाप कहीं मुलाजम थे, ना उनके दादा थे। उनके पास 14 लाख की गाड़ियां हैं, 20 लाख की गाड़ियां हैं, जिनसे हम डरते हैं, जिनकी जमीनें सिला तक खरीदी जाती हैं। तो मैं SSC साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आई इन्हें टीम कम से कम 1 महीने के लिए होनी चाहिए। आपका ताल्लुक लाइन ऑर्डर की हिफाजत करना है, लेकिन ये सब चीज़ चली है जो कि ड्रग के बारे में सब बातें हो चुकी हैं, साधना के बारे में बातें हो चुकी हैं। जो तकलीफ है साधना के ऊपर है वो तो आपके सामने आ गई। हमारा एक दरीना मसला जो अभी तक चला आया है वो है हमारा साधना टनल। साधना टनल काफ़ी देर से हमारी डिमांड है, गवर्नमेंट के सामने रखी हुई है। उसके बाद मेरे साथ यहाँ की यूथ ने बहुत ज़्यादा कॉपरेशन की, जिसमें कि हमारा यंग लॉट है, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एंटी ड्रग कमेटी, जिसके के जिन्होंने हमारे साथ दिन रात बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरह जुड़े हमारे साथ। तो उनकी मदद से हमने भी काफ़ी कामयाबियां हासिल की। उनका बड़ापन है, हमने तो सिर्फ इसका इसको अपना फ़र्ज़ समझा। हमने उस वक्त ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाई जब करनाह में अभी इसका नाम जो था वो संदाज से योगरा से मशहूर नहीं था। अभी तक हमारे बुजुर्गान ने उससे आती है, तो मेरी आपसे ये मोहतबाना अपील है कि आप आर्मी के साथ मिलकर के, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, कैसे न कैसे करके यहाँ पे अगर ये जो बीमारी यहाँ पे पैदा हुई, इस ड्रग की जो बीमारी पैदा हुई, इसका कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका सबसे बड़ा जो कारण जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का था। मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक बिल्डिंग बहुत लेट किया मैंने, क्यों पता ही देखिए कोरोना है। जब हम इधर आए ये पूरा ठीक में है, हम शुरू किया पब्लिक बिल्डिंग करना, लेकिन अचानक आ गया कोरोना सेकेंड, इसलिए हम पूरा एक्टिविटीज पब्लिक क्लीनिंग पब्लिक मीटिंग्स में थोड़ा स्पीड ब्रेकर सही बंद नहीं हुआ। स्पीड ब्रेकर क्यों, हम इधर बहुत लोगों को मिला डीपीओ है, आप लोग भी आते हैं हम बहुत मिले, लेकिन इसी तरह पब्लिक मीटिंग्स को मैं हम बहुत खुश आते क्यों है, इधर ही पता चलते ग्राउंड में क्या क्या इश्यूज हैं और हमारा परफॉर्मेंस बेटर करने में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सेकेंड ईयर थोड़ा कम हो गया, हमको मौका आया, इसमें आपका भी बहुत अच्छा कॉपरेशन है। थैंक यू। बहुत टाइप्स होते हैं, एक एक पुलिस ऑफिसर एक एक चीज़ में मशहूर होते हैं, पुलिस ऑफिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मशहूर होते हैं, पुलिस ऑफिस एजेंसी एनालिज़म काम है, लेकिन हमको ट्रेनिंग अकेडमी सिखाते हैं हम बोलते हैं जो पुलिस ऑफिसर को पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन हो वही नंबर वन ऑफिसर। यस, क्यों पब्लिक डीलिंग अच्छा है तो उधर ही 99% पुलिसिंग आसान हो जाए, पंजाब में और आसान। क्यों, दोनों तरफ से पब्लिक की तरफ से पुलिस की तरफ से इधर बहुत अच्छा टीम का कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी सुनता हूँ लोगों से जो भी आते हैं मेरे ऑफिस में पूछता हो आपका ऐसे तो मुझसे कैसे है या पुलिस कैसे, सबके सामने मैं मुझसे को समाज में देना चाहता हूँ। क्यों, सबसे पहले SSP कुपवाड़ा जो हमारे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से, हालांकि करना की तरफ से मैं उनका वेलकम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ SSP साहब का जो दौरा हमारा है करना का, मेरे ख्याल में हमारे लिए जो अच्छे रंग लाएगा, इनका दौरा करना में होना एक इंतहाई पसंदीदा है, क्योंकि
इधर बहुत बड़ा मामला इलाके में चल रहा है ड्रग्स का, जिसमें जब से एसएसपी कुपवाड़ा यहाँ पे इन्होंने अपनी कुर्सी संभाली है तो तब तक आज से बड़ा फ़र्क पड़ चुका है उसके बीच में। काफ़ी हद तक इन्होंने काफ़ी ड्रग्स में काफ़ी इन्होंने हेल्प की और काफ़ी लोगों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया और हमारे जो नौजवान हैं इलाके करना के उनको काफ़ी ऐसा प्रेशरलाइज हो गए कि वाकई अगर ड्रग्स हम जो ले रहे हैं ये बहुत गलत चीज़ है और इसमें हमारी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो रही है, हमको ये चाहिए कि हम बिल्कुल लाइन पर आ जाएँ। आज हमारे लड़कों को काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है और अभी इन्होंने जो काफ़ी मुतालबे लोगों ने इनको किए जो आज उन्होंने यहाँ पे पब्लिक दरबार किया, पब्लिक दरबार के अंदर लोगों ने काफ़ी मुतालबे किए। यहाँ पे पाई थे, सरपंच थे, हमारे डीडीसी मेंबर थी, हमारे बीडीसी चेयरमैन थे और बाकी तमाम इलाका के माजी लोग थे यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की और उन्होंने काफ़ी अपने अल्फाज में कहा कि हमारे एसएसपी साहब जो हैं हमारे मुद्दे हल करेंगे। कुछ मुद्दे जो एसएसपी साहब तक हैं वो हल कर सकते हैं, कोई जो नहीं है आगे आले हुकाम तक वो आगे उनको आगे उनको लिख देंगे। कुपवाड़ा एसएसपी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो टंगडार में उन्होंने दौरा किया आज हमारे पब्लिक के बीच में, तो उन्होंने हमारी पब्लिक सरपंच पंचों ने बहुत अच्छी बातें रखी हुई हैं उनके आगे, उन्होंने भी अच्छी तरह सुनी बातें कि ऐसी मीटिंग आगे भी होनी चाहिए, मतलब महीने में एक बार या दो बार कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इस मीटिंग से काफ़ी बच्चों के ऊपर मतलब इफेक्ट पड़ेगा कि कम से कम वो ये ड्रग्स से बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे यही इशू है ड्रग्स में चले गए हैं, क्योंकि पढ़ लिख के बच्चे बैठे हैं, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है और इतना हमारा एरिया भी इतना बड़ा नहीं है कि कोई बिजनेस चला सकें या कुछ, मतलब एक जो छोटी सी किसी की शॉप है वो अपना घर चलाएगा, दूसरे के बच्चे को नहीं दे सकता। हम ये चाहते हैं कि कोई लोन होए या किसी तरीके से भी उन बच्चों का कोई ना कोई हाल निकाले, हमारी गवर्नमेंट हमारी जो भी मुझे सुन पा रहा है। बारामुल्ला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल बेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेडशीट्स, टॉवल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तियाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहां आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लिपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंडबैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखे और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक बारामुल्ला। राब्ते के लिए डायल करे 9906588733 9596523008।